सच में सरप्राइज दे रहे हैं दोस्तों, मजाक नहीं कर रहे। अरे बाघ सच में आया तभी तो भाला लेके चल रहे। मैं इतना डर गई थी अंदर से, मतलब बहुत ही डर गई थी। दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ओए मेरे कपड़े गंदे कर देता है, सुबह सुबह मेरी हुडी गंदी कर दी थी इसने, बचाओ मेरे को कोई इससे। दोस्तों जेरी के डर से मैं अंदर आ गई हूँ क्योंकि उसने सुबह सुबह मेरे सारे कपड़ों में कीचड़ लगा दिया था। जैसे कि आपको पता ही है वो कीचड़ में हमेशा जाता रहता है और इसको कीचड़ बहुत ज्यादा पसंद है। अभी मैं जा रही हूँ वॉकवे मॉल और आज मुझे अपनी मायकी मतलब की लोहाघाट निकलना है। वहाँ पर हम क्रिसमस सेलिब्रेशन करेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे न्यू ईयर मनाने गुड़गांव। तो अभी मैं पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ। संदीप जी नहीं आ रहे मेरे साथ, हर्षो आ रहे हैं क्योंकि इनको मैंने बोल रखा है कि आप बाकी का सारा तैयारी कर देना, गाड़ी में सामान रखना, ये सब करना, काम करना। क्योंकि अगर मैं चले गया तो ये लोग सब लेट करेंगे। और घर पे निकलना जरूरी है जल्दी क्योंकि वहाँ पे पहुँचने में मैक्सिमम 600-800 लगते हैं। तो मुझे ये पर्स भी वापस करना है मिनी शो में। मैंने गलती कर दी, सिर्फ चिटकनी वाला पर्स लिया है, इसके अंदर चेन होती तो बात थी। अभी चिटकनी बार बार खुल जा रही है, इसको खरीदने का कोई फायदा नहीं। वापस आए हो वो लोग वापस कर दे यार, मुझे गाड़ी से इसकी वो दे दो। मेरे प्यारे डॉगी कितने प्यार से देख रहा है, अब क्या करूं। मैं तुझसे मिलना तो चाहती हूं बट तू मेरे कपड़े गंदे कर देगा क्योंकि हाथ तेरे हाथ पैर में बहुत मिट्टी लगी है। हाँ मैं बच्चा, ऐसे मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना क्यूटीफाई लग रहा है, ऐसे मिलेगा तो क्या ही प्रॉब्लम होगी दीदी को, कपड़े गंदे कर देती है ना, इसीलिए मैं बच्चा। एक यहाँ पे बैठा है, हमेशा प्यार से ही मिलता है। टीटू आ जाओ, हर्षो वेट कर रहे हो तुम्हारा। अरे टीटू जाने दे यार, अरे जाने दे ना, काटेगा क्या, काटता है क्या। दोस्तों मैं आ गई हूँ वॉकवे मॉल, अब देखती हूँ कि रिटर्न होता है कि नहीं होता है। वो हो जाए यार, क्या लगता है करेंगे रिटर्न? लगता तो है कर देंगे। तो ये एक्सचेंज नहीं हुआ क्योंकि अनलकीली ये डिस्काउंट में था और डिस्काउंट वाली चीज एक्सचेंज नहीं होती। अब ये मेरे पैसे बर्बाद हो गए क्योंकि ये यूजलेस है। कामिनी भी नहीं पकड़ रही इसको, मैंने बोला उसको पहले तो पकड़ ले, तो रख ले, कह रही नहीं इसमें से सामान गिर जा रहा है। तो मैं इसमें चेन लगवा देती हूँ आर्टिफिशियल खुद से अंदर ना। चेन लगवा दूंगी इसको। तो दोस्तों हम मैक्स को गाड़ी में ही छोड़ के जा रहे हैं, इसके अंदर इसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें सांस लेने का प्रॉपर है, यहाँ पे भी और ये अच्छे से अपने आप को एडजस्ट कर सकता है इसके अंदर। फिलहाल बहुत ज्यादा सामान भी है और हम आए हैं अभी खाना खाने। चले गाइस, चलो फिर, हम तुम्हारे तो इंतजार कर रहे हैं। अच्छा चलो फिर आ जाओ। मेरा ऐसे कैसे जो इंतजार कर रहे हो तुम इतनी देर से, जैसे कि मैंने बाल बना रहे हो, लिपस्टिक लगा रहे हो, झूठ बोलते। इतना लेट खाना आ रहा है ना, क्या बताऊँ, बहुत ज्यादा भूख लगती है। इतना लेट हो गया ना, हमसे पहले आने वालों का खाना उनको मिल गया। अब हम घर कब तक पहुँचेंगे घर, क्या लगता है? हम घर पहुँचेंगे 8 बजे। 8 बजे अब मम्मी को तो तब तक नींद आ जाएगी, हम तो उनको सरप्राइज देने वाले हैं। कैसा लगेगा उनको मैक्स को देख के? तो मन बहुत खुश हो जाएगी यार। पर उनका सरप्राइज कितना खतरनाक, कहीं चौंक ना जाए वो, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। चुप रहे, ऐसा मत सो, ऐसा मत। हार्ट अटैक बोलना भी नहीं आ रहा है। हार्ट अटैक बोला। क्या बोल रही है? हार्ड नहीं होता है, डी बोल रही, डी हार्ड नहीं होता है, ये हार्ड बोल रहा है। कौन से स्कूल जा रही है? हर्ट। देखो HURT हर्ट होता है, जहाँ पर देखो कुछ छुपा मिला। वो बेचारी हार्ड ही बोल रही है, तुम लोग खा लिए उसको। हर्ट बोलती है, HURT। सुना करन, हर्ट हर्ट बोला, भी हर्ट ही बोला, हार्ड हार्ड। मैंने कहा बोला HURT, इसने कुछ नहीं बोला, ये तेरे को छेड़ रहे हैं और कुछ नहीं, ये हार्ड हार्ड बोल रहे हैं। मैंने कहा हर्ट होता है, हर्ट होता है, क्या काम काम नहीं से भी आ रहा, कुछ नहीं है ना, हार्ड हार्ड खुद हार्ड। दोस्तों अभी हम आ गए हैं मम्मी को सरप्राइज देने के लिए। ये देखो संदीप, कामनी, करण सच में सरप्राइज दे रहे हैं दोस्तों, मजाक नहीं कर रहे। अब पता नहीं मम्मी का कैसा रिएक्शन रहता है। मम्मी डर जाएगी, मम्मी को लगेगा चोर तो नहीं आ रखे। मम्मी सीधे गन में निकाल दे आज, आज मम्मी सीधे गन में निकाल दे। मम्मी तुम ना बोलो, तुम जब डर जाओगे। मैंने काली काम निकाली, काली काम।
है क्यों नहीं खाना लाया हूँ प्रणाम मम्मी यहाँ बनन पे रखिए काम नहीं का बताए क्यों नहीं फिर एक बार मैसेज करके हम लोग आ रहे हैं करके बता देते तो ये सरप्राइज नहीं रहता ना हाँ। मैं तो सो गई थी कुछ आपको लग भी तो कोई आ रहा है करके डरी नहीं मैं तो डर गई थी पहले मैंने कहा कोई चोर वोर तो नहीं आए दादी को फोन करती हूँ पहले कह के गई थी अगर कोई आएगा तो मेरे को फोन कर देना या फिर इधर से आ जाना मम्मी आती क्या कह रही भूखे रहोगे अब सब भले बताए क्यों नहीं भूखे रहोगे सबके हम कुकर सहित खाना लेकर आए हैं खुश हो गया अब उसको कुछ नहीं दिखेगा उसको सिर्फ एक कमरा दिखेगा तुमने गाड़ी कहाँ रोकी गाड़ी ऊपर अरे बाघ सच में आया तभी तो भाला लेके चल रहे हैं जंगलों में यार भाला के एक बार बताओ हम भाला लेके जा रहे हैं वहाँ बाघ ने अटैक भी कर दिया हम कौन सा एक्सपीरियंस है कि ऐसे क्योंकि ऐसे कट रहे हैं और गोपेंगे भी तो सरकार भयंकर हमें जेल में डाल देगी मम्मी एक और भाला लेके आ गई हो बाघ इसको मारने में लग रहे अब सामान पकड़ेंगे बताओ नहीं मैं पकड़ूंगी मैं हूँ मैं आज बचाऊंगी अपने परिवार को लॉइन कट ये लाइन कट है करण लॉइन कट जब करण ने उसको बोला कटिंग करने वाले को कि कौन सी कट कर रहे हो वो लॉइन कट करण कह रहा अरे यार इतनी देर से सुन रहा हूँ लॉइन कट ये कौन सी कट है वो कह रहा भैया लॉइन कट फिर करण कैसे समझा तू मैंने कहा अरे लाइन कह रहा है दादी प्रणाम ठीक है रे कौन है क्या पता है बाबू उंगली लगे बाबू सरप्राइज चलो हम पता ना चल जाए मैं तो है हिंदी में बात करो हिंदी में बात कर दादी किस समय आए हम अभी थोड़े एक घंटे पहले अच्छा हमने हमने सोचा आज आप लोगों को सरप्राइज देते हैं अच्छा बाहर से ऐसे ऐसे दरवाजा खटखटा पहले पटपट पटपट करके आए मैं डर गई फिर ऐसे दरवाजा खटखटा मैंने कहा कौन है भाई फिर भी नहीं बता रहे हैं दो तीन बार मैं इतना डर गई थी अंदर से धर धर मतलब बहुत ही डर गई थी वो दादी दादी को एक्सप्लेनेशन दे रही है मम्मी अच्छा मैं दादी हिंदी में बात करो क्या कह रहे हो सो के आई दादी की आई मैं तो कैसा लग रहा है संदीप दादी से मिलकर बाबू क्यों लाए तुम रोज रोज क्यों लाते हो मिठाई कहाँ तक खाऊं हलक तक खाओ दादी यहाँ तक खाओ आधा किलो ही तो होगी हलक तक करण से दादी को बता दो कि हम लोग आए हैं नहीं तो दादी सोचेंगी रात भर हम मुझे नींद नहीं आएगी तेरे घर कौन चोर आ गए इसलिए मम्मी इतना एक्सप्लेनेशन दे रही है सासू माँ को देना पड़ता है दोस्तों और यार आया है बल नाती बल मेरे को नाती के वक्त आयो नहीं नहीं नाती आया है बल मेरे को तुम्हारा आ गया हमको तो है क्या कहा आपने मेघा और संदीप आया है कर पता ही नहीं है उनको अच्छा बाबरे बाबू तुम कहाँ से आए हम हल्द्वानी से आए हैं हमने सोचा और दिनों आप बटी बुटी के बैठे रहते थे तैयार होके बैठे रहते थे हमने सोचा आज देख ही लेते हैं घर के कपड़ों में कैसे दिखते हो तब हम लोगों ने आपको बिना बताया हमने सोचा कि आज हम देख ही लेते हैं कि आप लोग घर के कपड़ों में कैसे दिखते हो और दिनों बंटन के बैठे रहते थे ना आज आज सच्चाई पता ही चल गई कि आप कितनी क्यूट हो आप सच में बहुत क्यूट हो जिस हिसाब से आपको लोग कहते थे कि आप बहुत क्यूट हो खाना खा लिया इसका मैसेज आया मैंने कहा मैंने तो आज नहीं खाया दूध पी के सो गई मैंने कहा तुम लोग कब पहुँच गए गुड़गांव कह रही हम थोड़ी देर में पहुँचने ही वाले हैं बल तब तक घर पहुँच गए ये लोग यहाँ से चले जाओगे अभी हाँ? अभी कहाँ अब आज रात को थोड़ी ना जाएंगे एक महीने बाद कहाँ हम जाएंगे 29 तारीख को जाएंगे अभी हाँ 29 तारीख को बुरा मत मानो दोबारा आ जाएंगे अरे यार दादी यार पहले इमोशनल कर देगी क्या नहीं जा रही हूँ क्या कहते हैं जल्दी लेट जाऊंगी 28 को जा रही हूँ ना फिर आऊंगी दोबारा आज दिन भर तेरी वीडियो देख रही थी किसमें किसमें तेरी मम्मी की दिन भर छत में अच्छा सब वही देख रही थी मैं तो आज दिन भर मैंने कहा क्या हो गया इनको क्यों नहीं आ रही है ये किस में जा रही है मेरे को वहाँ अच्छा तो आप इंतजार कर रही थी ऐसे होता है दोस्तों शादी घर वाले इंतजार करते रहते हैं तभी तो हमने आपको अचानक सरप्राइज दिया ये भगवान अचानक
दिन भर आपकी वीडियो देखी थी मैं आज। देखो बीबू घर वाले कैसे वेट करते हैं लड़की के घर वाले। सब पर दिन भर हाँ बीबू कह रही कहा, मैंने कहा मैं मेघा की ब्लॉग देखी हूँ दिन भर। मेरी प्यारी दादी तेरी बुआ के यहाँ गई दो दिन, मैं तेरी ब्लॉग देखी। हाँ बुआ ने तो आपको दिखाए होंगे ब्लॉग्स, बुआ हमेशा दिखाती है। आज की भी कल की भी परसों की भी रोजी की भी नैनीताल की भीमताल सब जगह देखी। अच्छा जबकि दादी के पास फोन नहीं है। आपको मैं फोन गिफ्ट करना चाहती हूँ, यूज करोगी ना? हाँ करूंगी। कैसे आई तुम ऐसी? बस आ गए हम रास्ते से जैसे आते हैं अचानक अचानक। चलो दोस्तों अब खाना खाने की तैयारी करते हैं, बहुत ज्यादा भूख भी लग रही है।